रब्बा कदे किसी दी मां ना मरे, बस यही हाथ जोड़ दिया मैं। हाँ जी, आ रहे हो घरे? हाँ, कोई फल फ्रूट ले आए आंदे हुए? हाँ, गली तो कोई आया नहीं हैगा, तुसी ले आए आंदे हुए? हाँ जी, ठीक है फिर। आ जाओ जी। की कर रही सी? कुछ नहीं, इन्होंने फोन कर दी सी, कहिंदे मैं आ ही रहा घरे। अच्छा, मैं कहा चल कुछ ले आया आंदे हुए, कोई फल फ्रूट ले आए, किन्ने दिन हो गए मुक्या नहीं। मैं भाभी सोचती सी अज जां कल मैं चली जावां। चली जावां? रो थोड़े दिन होर, सगो मेनू सुख सहारा होया थोड़े आयां दा। चल देखदे आं भाभी फिर, जे मेनू इन्हां ने फोन कर लिया तां फिर मेनू जाणा ही पैणा। चल ठीक है, देख लियो फिर। मेरी ताप दी तबीयत नहीं ठीक हैगी सवेर दी, भांडे जे पए सीगे रसोई च, मैं कहा चल मांज दिंदी आं। तुसीं मांज दोगे? हां हां भाभी, कोई ना, फिर की होया, पै जाओ तुसीं, रेस्ट कर लो, मैं मांज दिंदी आं भांडे। भांडे दी किड्डी की वड्डी गल हुंदी आ, तुसीं आराम नाल पै जाओ, मैं धो लैंदी आं भांडे। चल ठीक है। मसा सुख तो सह होने लगी, हम जान दू नहीं, हले नहीं जान दी तेन। हाँ जी मम्मी, आ जाओ। की करन लगी है? कुछ नहीं, मैं कहा भांडे पे ने, भांडे धो दवा। चल ले सारे भांडे, मैं आपे धो लूंगी। कोई ना मम्मी, मेरे की हो गए भांडे, नहीं रख दे तू, तू गा इथे रोज बैठी रहे ना, आ दो चार दिन खरी के मैं ते कड्डे ने आई है, तू छड़ तू, मैं मांज लूं आपे, रख दे। कोई ना छड़, भांडे नहीं धोने, आ जा बैठ उठे हाथ धो। चल चल मम्मी, फिर की हुंदा सीगा जे मैं भांडे धो दिंदी तां? कोई ना मैं धो लेने ने, फिर की गल, भाभी थोड़ी मदद हो जांदी पूरा। कोई नहीं कोई नहीं कोई गल नहीं, हथों विच असीं दोए जणे कर लैने हौली हौली। कोई ना, तू ना ये टेंशन लिया कर, ठीक है भाभी तेरी। मेनू नी कम नू कहिंदी बेचारी, मैनू तो काम दा पता ही उदों लगदा वी जद कीता पिया हुंदा। चल ठीक है मम्मी, जिवें तुहाडी मर्जी। होर तू चल अंदर आउनी आ, मैं चलो दोए जणे बैठो तुसीं। थकावट जी हुई पई है। आहो मैं फिर सोचा मैं चल सेव लै चलना, चल थोड़ी ताकत जी मिल जू, ताई फिर मैं सेव लैके आ गया। भाभी कोई होर काम तो नहीं है? नहीं नहीं दीदी, और कोई काम नहीं है। चल ठीक है फिर, मैं उधर चलती हूं। हां कुड़ी तो बाहर है, कहते सेव वाला। नहीं नहीं तुसी खाओ बस। में थोड़ा दिमाग ही लग गया, सेव खा। सेव का सस्ती आ जांदे ने, 200 रुपए किलो ने। फिर की हो गया?
ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਕੀ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬੱਤ ਚੀਜੀ ਚੀਜੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ चलो ठीक है फिर मैं आज ही आनी हूं ओके भाभी ने गल कर दी भाभी मैं आज जाना वा इन्हों का फोन आया सीगा भाभी भाभी ते गए तो नहीं हुए हैं हाँ जी आई दीदी और आओ की हो गया कुछ नहीं मैं तुम ना गल करनी सी मैं कहा भी ये डैडी कहते भी चल हूँ आ जा घर भी कितने दिन हो गए तेन मिलने रह पे दो चार दिन हूँ फिर की हो गया सी नहीं प्रीति पिछे सरदा नहीं है तेन पता तो है पहला तो इन्होंने वाला मैंने कहा भी चल जा दीदी मासा तो तुम आए हो साल बाद हम जान दी थोन काली पैगी रह पो दो चार दिन नहीं बस प्रीति कई दिन हो गए हम मैं आई ना घर पिछे भी देखना वा ना मेरा जी लग्या होया वह तो गल सही है पर लेकिन मैं हम रह नहीं ना सकती हूँ इन्होंने मैंने जो कह ही दिता भी आ जा हूँ कई दिन हो गए आप ही खुशी खुशी भेजा सीगा चल हूँ जो सात दिन तो फिर जाना ही पैना वा हम रोटी का औखा होया पिया होना वा इन्ने दिन तो हो गए मैं आई ना चल जो तुम बाला ही कहने तुम्हारी मर्जी है जाओ फिर है ना तो मैं आई कहनी हाँ भी फिर मैं थोड़ा सूट कट के दे देनी मम्मी की पेटी च चल ठीक है जिम्मे थोड़ा ठीक लगे आप दे दें फिर तुम जाना तो है ही हम मैं क्या चल जिदन जाऊंगी उदन ही कट के दे दूंगी चल ठीक है कट दो फिर चल आ जाओ फिर उपर ही पे ने तो मैं दो लग चल दिखा दी जो लेने हो ले लूंगी दीदी दीदी हाँ प्रीति आयो जरा कुमार आ दो सूट ने दो में ले जाओ अच्छा आ कुर्ता पजामा वा हैगा तो मोटा वा सर्दियों वाला चल कोई ना सर्दियों नु समा लेंगे चल ठीक ते आ तुहानू पैसे नाल ला दिंदी मैं ठीक है पापी एक गल कहो की हो गया गुस्सा ना करो ये तुसी इदा करो ये तुसी रख लो क्यों दीदी की हो गया पता की गल आ जदों मैं कपड़े ले जाके अपनी सस नू दिखाऊंगी ना ते उन्होंने मैनू यही गल कहनी आ भी आ दिता तेरी भरा भरजाई ने तेन वो मैनू सारी उम्र मेहने देणगे भी जदों तेरी माँ हुंदी सी उदों तेनू किन्ना कुछ दिंदे सीगे किन्ने वधिया वधिया कपड़े दिंदे सी ते हुण जे तेरी माँ है नहीं तो तेरे भरा भरजाई तेरी आह कदर करदे ने आह काम खातर बुलाउंदे सीगे तेनू आह सूट देण लई मेरे को 5000 रुपया सेव किया पिया वा भाभी जे तुहाडा हथ टैट आ ना तो मैं वह दिखा दूंगी भी मैनू ये पैसे दिते ने उन्होंने 5000 रुपया भी मेरा टाइम नहीं लगता बाजार जाने का जिदा तू जाएगी आपकी पसंद दे ले नाले थोड़ी भी रह जूगी तो नाले मेरी भी रह जूगी तो नाले बार बार वो मेरे पेक्या भंडन मेरे भरा भरजाई ने कहेगा वो मेरे को जरिया नहीं जाना क्योंकि मैंने थोड़े तो बिना कुछ नहीं है ना मैं थोड़े तो उपर आ कुछ भाभी तुम भी किसी की धी हो तो मैं भी इन्हों इस घर की धी हाँ तो जड़िया धीं होंगे ने ना वो हमेशा अपने पेक्या की लाज रख दियां कदे भी अपने पेक्या नीचा नहीं दिखा दिंदियां किसी के सामने तो ना किसी कुछ कह दिंदियां ने तो ना जारी हुंदा हुंदा वा कि कोई साढ़े पेक्या कुछ कवे मैं अपने पेक्या की भंडी नहीं करवानी मैं अपने भरा भरजाई की इज्जत बनानी हाँ ये ना मैनू कल वह कह कि तेरे भरा भरजाई ने आ दिता तेन ये देन खातर साल दे तेनू सद दे सी फोन कर करके जे तुहाडा हाथ टैट आ भाभी कोई नहीं मैं समझदी हाँ सारी गल मैं अपने कोलों कर लूँगी पर मैं सारी उम्र के मेहने नहीं लैने उन्हां तो सही गल है दीदी थोड़ी गल बिल्कुल सही है तुम साड़ी इज्जत बनाने लिए उत्थे अपने सहुरियां दे विच
ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੂੰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਭਾਬੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਆਇਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਤੋਰਦੀ ਸੱਚੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੱਬਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ